मी तुला काय तरी विचारतो रे भरिया, सुना तुले, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, तुझा आईला बोल। हट, खत्म कर दूंगा खुद को, खत्म कर दूंगा अभी, इधर आत्महत्या करूंगा, तब जवाब देना उनके बाप लोगों को जब वो पूछेंगे काकू कैसे मरा। हट, आई शपथ, निकर न उतर गई तुम लोगों की तो बोलना, खून के आंसू रोगे तुम लोग, ये खून निकलेगा तुम लोगों की आंखों से, ये देख ये। किसकी आंख से खून निकालेगा हैं? सुअर की औलाद, ना मर्द है हम, ना पुंसक है हमारा डिपार्टमेंट। क्या साहब, 12 बजे से बुला के बिठा रखा है, उल्टे सीधे सवाल करते हैं, कब से कह रहा हूं कि मैं शरीफ आदमी हूं। बहुत शरीफ आदमी है तू साले, 5 साल पहले जिन फिरंगियों को मारकर भगाया है उनका नाजायज बाप है तू के जायज औलाद है। हेलो, 1 मिनट साहब, आपका हॉस्पिटल से फोन है। हेलो शर्मा यार, हाँ पहुंच जाऊंगा। मुबारक हो, बड़ा तंदुरुस्त बच्चा है। ए हलीमा। हाँ अम्मा बोल। बहुत अच्छा नाची हलीमा। सब तेरा हुनर है अम्मा। चल अब जा, और देख पुलिस वाला है, ज्यादा जोर हुज्जत मत करना, जो दे चुपचाप लेके चली आना। हाँ तुझे तो मालूम है जोर हुज्जत करती हूँ मैं, जो जिसने दे दिया उसी को नसीब समझ लिया अपना। हमें कोई बधाई बधाई नहीं गवानी है, आप लोग आए इसलिए पैसे लीजिए और जाइए आप। अरे नहीं साहब, भिखारी नहीं है हम, बिना बधाई गाए पैसे नहीं लेते। अरे गाओ रे गाओ। हलीमा, हाँ? ये तो अपनी बिरादरी का है, इसको हम लेके जाएंगे। नहीं, इसको ले जाने नहीं देंगे हम, ये हमारा बच्चा है। अरे साहब, हिजड़े का पालना बहुत मुश्किल होता है, इसको हम लेके जाएंगे। बिरादरी में और समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, सब ये बोलेंगे हिजड़े का बाप। चलो चलो बच्चा। कैसी गोल गोल सी बितिया है। हलीमा पान खिलाना। हाँ अम्मा, सुपारी कच्ची डालूंगी पक्की? अरे कोई सी डाल दे। अच्छा बेटा है, अरे ऐसा कुछ पहना तो रखा है, कहीं मेरे ही कपड़े गीले कर दे। हाँ ला। कैसी खूबसूरत है। चांद के टुकड़े जैसी लग रही है बिल्कुल। अच्छा बताओ कौन पालेगा इसे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये बच्चा मेरे को देगी अम्मा, मैं इसको पालूंगी। अच्छा हाँ, तुझे तो नाचने गाने से ही फुर्सत नहीं है, इसे दूध कब पिलाएगी? दूध कब पिलाएगी? अम्मा ये बच्चा मुझे दे दो ना, बहुत प्यार से पालूंगी मैं इसे। रात भर पता नहीं कहाँ गायब रहती है, रात को क्या मैं लेके घूमूंगी इसको? अम्मा इसे हमें दे दे, हम इसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश करेंगे। हाँ हाँ, पहले खुद तो चलना सीख ले, इतनी मोटी हो गई। हाँ। चला तो जाता नहीं। अम्मा मैं पालूंगी इसे। हलीमा। हाँ अम्मा। ले ले, तू इसकी परवरिश करेगी। हाँ? अम्मा ये मेरी बेटी, आज से तू इसकी माँ। अम्मा हलीमा को आज तूने वो दर्जा दिया है जो दर्जा खुदा भी मुझे देने में बेबस था, माँ का दर्जा। हलीमा तेरे सदके से कयामत तक शुक्रगुजार रहेगी अम्मा। इस बूंद से तूने मेरे कलेजे को ठंडक दी है, शबनम नाम रख तू इसका। शबनम, 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 माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुग जुग जियो, खूब नाम करो, तरक्की करो। तुम्हारी शादी देवता के साथ संपन्न हो गई है, अब आज से तुम सब सुहागन कहलाओगी।
जीते रहे। सुभान अल्लाह, परवरदिगार तुझे करते हुए कैसे चूक गया। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। परवरदिगार कभी नहीं चूकता माई, जैसे धरती और आकाश के बीच हवा, वैसे ही मर्द और औरत के बीच हिजड़ा। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है माई, अर्थ है। सुभान अल्लाह, परवरदिगार। हलीमा अपनी जुबान वापस लेती है। शबनम बेटा, आज से तेरी तालीम खत्म हुई, कल से तेरा हिजड़ा शरीर दुनिया से मुखातिब होगा। दुआ देने के लिए, कला बांटने के लिए, अपना हुनर बांटने के लिए, कसम मुर्गे माता की, जा। शब्बा खैर। ये महल तुम्हारा है? हाँ हाँ, ये महल हमारा है। उफ तौबा, राजा जी मैं धन्य हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी। राजा जी, ये जो हम पे फूलों की वर्षा कर रही हैं, ये सब कौन है? ये हमारी रानियां हैं। रानियां? अगर ये सब आपकी रानियां हैं, तो फिर मैं कौन हूं? तुम नौकरानी हो। हम अपनी रानियों के लिए किन्नर सेविकाएं रखते हैं, जिससे हमारा जनान खाना महफूज रहता है। मुझे भगवान से यही शिकायत है। वो तो सर्वशक्तिमान था, सब कुछ कर सकता था, तो क्या मुझे पूर्ण स्त्री नहीं बना सकता था? मेरी भी शादी होती, मैं भी किसी राजकुमार की रानी होती, महल होते, नौकर चाकर होते, और फिर मैं एक संतान को जन्म दे पाती। सपने देखना बुरी बात नहीं है लोलो, ये हमारी हकीकत है, इसे स्वीकार कर तो सुख से रहेगी। चल सोचा। उफ तौबा, शब्बो क्या लग रही है तू? ए परकटी, नजर मत लगा करमजली। तुम लोग निकली नहीं अभी तक? हाँ? अरे बच्चे का नेक करने जा रही हो या मर्दों को निहाल करने? चलो निकलो। अम्मा कपड़े पहन रही थी, नंगी चली जाऊं क्या? अरे नंगी जाएगी तो ज्यादा भीड़ लगेगी, हिजड़ों को नंगा देखने की तमन्ना सबकी छाती में करवट लेती है। चलो चलो निकलो री, बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा तब पहुंचोगी क्या? चलो री, बदल लेने जाने हैं। चलो जल्दी। पूरे 7,200 रुपए अम्मा, और ये सोने की अंगूठी नीलम जड़ी। ला, ये मैं रख लेती हूँ। शब्बो को नेक मिला है, और हाँ ये 200 रुपए मैं रख रही हूँ, बच्चे के दादा दादी ने दिए थे। सब तू ही रखेगी तो हमें क्या मिलेगा? अम्मा ढोल पे ताल मैं देती हूँ, शबनम नाचती है गाती है, पूरे 7,000 हैं। 7,000 को खींच कर 70,000 मत कर, इसमें से 2,800 तो बिरादरी के गुरु का चला जाएगा, बचा क्या 4,200? हाँ तो ठीक है, ये गुरु जी के हो गए, ये तेरे 700, ये मेरे, ये शबनम के, ये रुखसाना चमेली। लो 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 लो, इधर ला। अम्मा वो भी तो गई थी। शबनम ले गई थी, मैं कुछ नहीं बोली, छमक छल्लू बनकर बनारस में घूमती थी, बिरादरी से निकाली गई तो यहां हमारी करम चली। हरकतें देखी उसकी, उसका पहनावा, उसके बाल, कसम मुर्गी माता की यही हाल रहा तो एक दिन मर्दों के नीचे सोएगी नास पीटी। कल वो जा रही है अम्मा, अभी तो ये पैसे गाड़ी भाड़े के लिए दे दे। ये ले,
मुंह पे मार दे कर्मचारी के। और हाँ, कहना कि गाड़ी छूट जाए तो पैदल जाए, कल सुबह सूरत ना देखूं मैं उसकी। कह दूंगी अम्मा। बच्चा सो जा तू, अब रात हो गई बहुत। अभी 5-6 घंटे किसी जंगल में जाके खड़ी हो जाएगी, यहाँ खड़े रहने में तेरी माँ मरती है क्या? तेरे डांटने से रुक जाएगी क्या? शब्बो, रुके या भाड़ में जाए, मेरी भड़ास तो निकल गई ना। अच्छा एक बात बता, बनारस तू जाएगी नहीं तो फिर कहाँ जाएगी? क्या बताऊँ शब्बो, अब खाना बदोशों के भी कोई पोस्टल एड्रेस होते हैं, जिस धरती ने थोड़ी ममता दिखाई वहीं चटाई डाल के पड़ी रहूंगी। मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की लोलो, लेकिन वो नहीं मानी। देख शब्बो, इस समाज ने हमें इसलिए नहीं अपनाया कि हम समाज जैसे नहीं हैं, और आज अम्मा ने मुझे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैं अम्मा जैसी नहीं हूं। खैर छोड़, जब तू अम्मा बनेगी ना तब ये लोलो अपनी मनमानी करेगी और इस सड़क पे बिकनी पहन के घूमोगी। हाँ जिस दिन मैं अम्मा बनूंगी ना, उस दिन अगर तू कुछ भी नहीं पहनेगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। शब्बू अपना ख्याल रखना लोलो। तू भी अपना ख्याल रखना, जिंदा रही तो फिर मिलूंगी। आई लव यू शब्बू। आई लव यू टू। बाय बाय शब्बू। शुक्रिया मियां। अम्मा मियां पैसे कौन देगा? शफी भाई हिसाब में लिख लो। अब पिछला भी तो बाकी है मियां। शफी मियां, मामुओं के मोहल्ले में रहकर पिछले का बड़ा ख्याल रखते हो हैं? बड़ा छिछोरा आदमी है यार। क्या देख रहा है? देखो तुम ये मत किया करो हुँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये जो ये लोगों के सामने ताली बजाती गाती हो ना। अरे ये मेरी बिरादरी है, मेरा काम है ये। ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? तेरी जैसी बिस्कुट की दुकान खोलूंगी क्या? मैंने कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं करूंगा फिर। सुनो। नहीं नहीं इतना नहीं। लो मेरी तरफ से, मैं दे रहा हूं ना, मेरी तरफ से रख लो। अच्छा ठीक, ये तू अपने पास रख, मेरी अमानत, इसे मैं अपने पास रखूंगी और खर्चा भी नहीं करूंगी। अच्छा देखिए भाईजान, मैं जिंदगी भर आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। देख नस्मा, मुझे ताने मत मारा कर, समझे? और नहीं तो क्या, आप शादी से मुंह क्यों बचकाते हैं? ऊपर से रिश्तेदार पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते हैं और आप जो भी रिश्ता आता है इनकार कर देते हैं। देख बहना, ये शादियां है ना नसीब से होती है ना। हाँ तो जा, जाके सबसे कह दे इस मामले में इकबाल का नसीब बहुत खराब है। मजाक मत करे ना भाईजान, अगर कोई लड़की है तो मुझे बताइए ना। हाँ। मैं अब्बू से बात कर लूंगी। तू बात करेगी अब्बू से? हाँ, कौन है वो? शबनम नाम है उसका। शबनम, बहुत चाहता हूं मैं उसे। और वो? पूछा नहीं लेकिन पूछूंगा तो इनकार नहीं करेगी। एलो, तो इतनी सी बात बताने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बताने में मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, सुनने में तुम्हें तकलीफ होगी। क्यों? लड़की क्या अनाथ है, कुजात है, अपाहिज है? यह सब बात होती तो मैं कब का निकाह कर चुका होता। फिर कौन सी बात है जो आपसे बोला नहीं जा रहा भाईजान? वही जड़ा है। भाईजान, किसी मर्द का एक औरत से निकाह होना बिला शुबा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, दिल की खुशी की बात है। मगर एक हिजड़ा लाहौल बिला कुवत।
शबनम, मैं नजमा, इकबाल की बहन। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। कहिए। एक इल्तिजा है, आप भाईजान से दूर हो जाइए। अगर आपके मन में एक औरत की कोई इच्छा जाग गई हो तो मैं खुदा से दुआ करूंगी कि वो आपको अगले जन्म में एक पूरी औरत बनाए, ताकि इस जन्म की आपकी अधूरी मुराद अगले जन्म में पूरी हो जाए। नजमा भाईजान, यहां क्या कर रही हो? हजरत चांद वली शाह की दरगाह की इस पाक जमीन पर खड़े होकर मैं शबनम से आपका दामन छुड़ाने की मन्नत मांग रही थी। अगर मेरी मन्नत कबूल हुई तो मैं यहां फातिहा पढ़ूंगी, और अगर ना मंजूर हुई तो आप मेरी लाश पर कलमा पढ़ना। नजमा, ये क्या बकवास है? इकबाल, नजमा ठीक कहते हैं। शबनम, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो जा, अपने अब्बा अम्मी और बहन की ख्वाहिश को पूरा कर। और वैसे भी मेरी शादी तो हो चुकी है, वो ऊपर वाला है ना, वो मेरा पति है। इकबाल मियां, मैं हिजड़ा जरूर हूं लेकिन चरित्रहीन नहीं हूं। शबनम, मैंने तुम्हें चाहा है, तुमसे कुछ नहीं चाहा, और अगर मेरे चाहने से तुम्हारे चरित्र को दाग लगता है तो लो शबनम, मैं अपना कदम पीछे हटाता हूं। खुदा हाफिज़ मेरी बच्ची। अगर तू अपनी बिरादरी से बाहर जाकर कोई अपना ढूंढेगी तो तुझे कोई नहीं मिलेगा। जिस समाज से हमें तिरस्कार मिला है उससे पुरस्कार की उम्मीद मत कर बेटी, मत कर। क्यों भाई? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें हिजड़ा है? हमें जन्म भी तो इसी समाज ने दिया है ना। नपुंसक मर्द और पांच औरत भी हमारे जैसे होते हैं, पर समाज ने उनका बहिष्कार तो नहीं किया ना। ठीक है, हम औलाद पैदा नहीं कर सकते लेकिन हम अनाज तो पैदा कर सकते हैं। पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, कलागुरु तो बन सकते हैं। जैसे हम सब लोगों को दुआएं बांटते हैं वैसे ही डाकिया बनकर सबके सुख दुख की चिट्ठियां तो उनके घर पहुंचा सकते हैं। फिर क्यों हम भीख की रोटी खाते हैं? बेटी, जब तक हम इस दुनिया की जरूरत नहीं बनेंगे तब तक इस दुनिया को हमारी जरूरत नहीं होगी। सो जा बेटी, सो जा। जय राम सोय राम। अम्मा, शबनम को तैयार करो ना। क्यों नहीं मानती? अरे ट्रक ड्राइवर है तो क्या हुआ, नवाबों के शौक रखते हैं। पूरे 1000 रुपए दूंगा। अरे जरा सबर करो सरकार। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? शब्बो,
तुझे पता है कि तू क्या है? मुझे पता है माँ कि मैं क्या हूं। तुझे पता होता तो आज तू सोने से लदी होती। हाँ, इतना सोना कम है क्या माँ? और फिर इस अधूरे शरीर पर और सोना लाद कर क्या करूंगी? तौबा तौबा तौबा, हट मुई, अधूरा शरीर। अरे ऐसे शरीर पर तो एक जमाने में राजा और नवाब अपने महल और रियासत तक न्योछावर कर देते थे। हाँ हाँ, कसम मुर्गी माता की, अगर तू चाहे तो तेरे लिए भी धन कुबेरों के दरवाजे खुल सकते। हाँ, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? मैं तो तुझसे इत्तेफाक रखती हूं अम्मा, पर ये जो परवरदिगार है ना, ये तुझसे इत्तेफाक नहीं रखता होगा। तभी तो उसने हमें ऐसा बनाया। 25 साल की हो गई है, तेरे अंदर चाह नहीं पैदा होती क्या? कैसी चाह अम्मा? स्नेह की, प्रेम की, श्रद्धा की या भक्ति की? मैं तो इन सारी चाहों से भरी हूं। अम्मा, तू हमारी गुरु है, तेरे मुंह से ऐसी नापाक नसीहतें अच्छी नहीं लगती। चुप, गुरु की गुरु बन रही है? अरे साली, मैं तो तेरी बेलकीर हथेली पे सोने का सिक्का रखना चाह रही थी। अम्मा, अपने सोने के सिक्के से गुदगुदी उसे कर जो हंस पड़े, जो रो दे ना उसे ना गुदगुदा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दर्द के मारे चीख पड़ू और सारी बिरादरी आके तेरा सर फोड़ दे। हाय अल्लाह, भाड़ में जाम हुई। अम्मा, तूने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? कौन है ये? अंदर चल। अम्मा चुप। अम्मा मुझे बता कौन है ये? चुप, बुरा क्या है? हैं? अरे ताली पीटते पीटते हथेली लाल हो जाती है और मिलता क्या है? एक अन्नी दुवन्नी चरसी बेवड़े आते हैं, पीठ पर पेट रगड़ते हैं, 20-25 रुपए फेंक जाते हैं। हाँ, ये भयानक भूख तुझे इस बुढ़ापे में कैसे लगी अम्मा? भूख तो बहुत पुरानी है, सिर्फ रोटी नहीं है। वो जो गया है ना अभी, पूरा 1000 रुपया देने को तैयार है तेरी शबनम के लिए। खबरदार अम्मा, जो अपनी गंदी जुबान पे मेरी बेटी शबनम का नाम लिया, मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि अपनी बेटी की पीठ बेचकर अपने पेट की भूख मिटाऊं। मैं पूरी बिरादरी को तेरी इस दुकान का पता दूंगी, पूरी बिरादरी से तेरे मुंह पे थुकवाऊंगी। थू है तेरे मुंह पर। हलीमा, हट जा अम्मा। तू बिरादरी की खिड़की में पड़ी वो सड़ी मछली है अम्मा, जो अगर पड़ी रही तो पूरी बिरादरी सड़ जाएगी। तुझे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा अम्मा। हलीमा, अम्मा ना। अम्मा हाथ, तेरा ये रूप पूरी बिरादरी को देखने दे अम्मा। मत छोड़ मेरा हाथ, आज मैं चुप रहने वाली नहीं हूं अम्मा। अम्मा हट, अम्मा हट जा। अम्मा अम्मा, आई माई, ये तूने क्या किया अम्मा? माई, ए माई, आंखें खोल माई, माई एक एक करके सब मुझे छोड़ के चले गए माई। एक तू ही तो थी जो जिंदगी के सफर में मेरे साथ थी। हलीमा से छुप छुप के धंधा करती थी, आज हलीमा ने इसे देख लिया, इस कुतिया ने उसकी जान ले लिया।
उस कील में, उस कील में गर्दन घुसा के उसकी सांसें रोक दिया। हाय हाय, जिसने पाल पोस के तरह बड़ा की गए उसका ही खून पी गई, कैसी छिनाल है। हलीमा की रूह तेरे कलेजे में कांटे तोड़े तो खुद क्यों नहीं मर गई रे। मार दो इस बजदाद को, निकाल दो इस छिनाल की जनी को। चल निकल, उठ उठ। गंदगी फैला रखी है साले तुम लोगों ने पूरी मुंबई में। धंधा करती है, किस चीज का धंधा करती है बता, क्या है तेरे पास? पीठ में बहुत खुजली होती है ना तुझे, आज तेरी ऐसी खुजली मिटाऊंगा कि सारी जिंदगी की खुजली मिट जाएगी। तू साली बड़ी एहसान फरामोश निकली, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसी को मार डाला तूने? नहीं साहब, मैंने अपनी माई को नहीं मारा। तूने नहीं मारा, अभी कबूलेगी। पाटिल कामले इधर आओ, सब नंगा करो साली को, उतार दो साली के कपड़े। बहुत खुजली है ना तुझे? नहीं, तेरी खुजली तो अब मैं ही मिटाऊंगा। बहुत जोर दिखाती है, अभी बताता हूं सारी तुझे। शबनम को तो बुलाना ही पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं हो सकता, वो ही आकर इसको मिट्टी देगी। साहब आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है शबनम, तुम जाओ। मैयत को उठवा दो। चलो उठ, रोना धोना बंद कर हाथ लगा।
अपनी माई को मिली है। अकेले छोड़ के चलेगी। चुप। पहले तो उसे मार के खा गई, अब बिरादरी के सामने तमाशा कर रही है। अम्मा बस अम्मा। पता नहीं इसकी माँ किस किस के साथ सोई होगी। रंडी की औलाद साली। ये क्या कुफर कर रही हो शबनम? चुप। खबरदार, तुम में से अगर कोई मेरे करीब भी आए तो माई की कब्र के साथ तुम सबकी कब्रें बना दूं। ये क्या हो गया शबनम को? गुरु है ना तू हमारी, खुदा से बड़ा मर्तबा होता है गुरु का। अंधेरे में राह दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। हमारी कमाई का 50% तू लेती है, सिर्फ इसलिए कि अगर तेरा कोई शागिर्द मर जाए तो तू उसकी कब्र पे आके फतिया पढ़ दे, कलमा पढ़ दे। आज तक कभी तूने अपने किसी शागिर्द के कान में जिंदगी का मकसद का मंत्र या कलमा पढ़ा है? ये तेरे शागिर्द है ना, पूछ से पूछ। अपने मुंह की निवाले के लिए अपने ही शागिर्दों के पीठ के नीचे कैसा भेजती है ये मुर्गे माता? हम गैर फितरी हरकतों के लिए समाज से अलग नहीं हुए थे, हम इससे ऊपर थे, हम अलग हुए थे कि हम सूफी संत और फकीर बन सके। लेकिन तेरे ऐसे नापाक शागिर्दों ने हमें भिखारी बना दिया। हम ऐसे नापाक हुए कि हमारी दुआओं में बद्दुआओं का असर होने लगा। मैं जिंदगी भर चढ़ा रहूंगी लेकिन उस बिरादरी में नहीं जहां पे तेरे जैसे गुरु हो और इसके जैसे मुखिया। आज से इस बिरादरी से मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं जा रही तेरा ये नापाक माया सरा छोड़ के और दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि तुझे तौफीक अदा करे, तुझे एहसास दिलाए कि उसने तुझे चढ़ा किस मकसद से बनाया। जाम मैं अपनी माई का खून तुझ पे माफ करती हूँ। शबनम आ क्यों नहीं रही? हटो, हटिए। पुलिस से बचते हुए शबनम रेल में सवार तो हो गई मगर वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन किस्मत ने उसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर गांव में पहुंचा दिया। पति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो दास चहे रासव खावा, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बचाओ! भावा क्रोध वंत खग कैसे बचाओ!
नहीं, नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, नहीं बस नहीं, थोड़ा सा खेलेंगे नहीं, नहीं, तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं, नहीं, छोड़ दो, नहीं, नहीं, बचाओ, बचाओ, नहीं, बड़ी हवेली के सपने देख रही है छमिया, छोड़ दो मुझे, अब मैं पूरे करता हूँ तेरे सपने छमिया साले हिजड़े हिजड़े देख लूंगा मैं तुझे देख लूंगा तुझे अगर आप समय पर नहीं आती तो औरों की तरह मुझे भी नदी में कूद कर अपनी जान देनी पड़ती। ऐसा नहीं कहते। कहाँ रहती हो तुम? इसी गांव में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी। अंधेरी रात में बार बार हिजड़े नहीं मिलते। चल तुम्हारे घर तक चलते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। मैंने सुना नैना के साथ बाबा मैं भोपाल गया हुआ था, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। माफ करना बेटा, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। बाबा मैं नैना से प्यार करता हूँ। बेटा मुझ पे कर्म करो, या तो इसे इस घर में रहने दो या फिर अपने घर ले जाओ। अगर तुम दोनों घरों के बीच में मिलोगे तो इस गरीब की इज्जत उतर जाएगी। बेटा बस बेटा बस, रो मत। इतने शातिर अपराधी हो तुम कि तुम्हारे सर पर 25,000 का इनाम रखा है सरकार ने, और तुम एक मामूली सी लड़की की इज्जत खराब नहीं कर सके। लानत है तुम पर। एक हिजड़े ने तुम्हारे आदमी को हिजड़ा बनाकर भेज दिया साला। आप फिक्र मत कीजिए। क्या फिक्र न करूं? हैं? क्या फिक्र न करूं? मारो। मेरा बेटा उस 2% की लड़की के प्यार में पड़ गया है। अगर उसका पांव भारी हो गया ना तो मेरा पॉलिटिकल करियर, मेरा परिवार, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझा ना तू? बेड़ा गर्क उस लड़की और उस हिजड़े का होगा सिंह साहब। आप आराम कीजिए, मैं उस हिजड़े को पूरे गांव के बीच में नंगा करके मारूंगा। अबे अनूपपुर के मुर्दो, किसके पल्लू में छुपा के रखा है उस हिजड़े को? निकालो बाहर राघव और उसकी बेटी को। और कहां है वो हिजड़ा जिसने इज्जत बचाने का ठेका ले रखा है? निकालो बाहर। चलो। नहीं बेटा, तुम बाहर मत जाओ। वो मुझे ढूंढ रहा है बाबा। ढूंढने दो उन्हें। देखो वो लोग भेड़िए हैं, तुम्हें काटकर चौपाल पर फेंक देंगे। अगर मेरी मौत उसके हाथों लिखी है तो वो मुझे इस घर में घुस के भी मार सकता है। हमें अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए डर का सामना करना पड़ेगा बाबा। मुझे इस लिबास में देखकर औरत समझने की गलती तो नहीं कर रहे ना आप? मुझे जाने दीजिए। बाहर निकालो हिजड़े को, आग लगा दो गांव में। अच्छा तो तू है इस गांव की इज्जत की रखवाली करने वाली। बलात्कार के लिए हिजड़े भी बुरे नहीं होते,
आज इस चौपाल में मैं तेरे कपड़े उतार कर तेरे साथ बलात्कार करूंगा। अगर उस लड़की की जगह तेरी लड़की होती और मैं उसकी इज्जत बचाती, तब भी तू मेरे साथ यही सलूक करता? कुतिया साली! अगर मुझे मार के तेरे अंदर का मर्द और बड़ा होता है लल्ला, तुम मार मुझे। सो जाओ, तुम्हारी आंखें तो दिन में भी नहीं खुलती, फिर तो ये रात है और रात तो सोने के लिए ही होती है। अपने डर और कायरता को सहनशीलता का नाम देकर पल्ला झाड़ने वालों, आज एक हिजड़ा तुम लोगों में अपना अंश देख रहा है। मैं अपनी बिरादरी छोड़कर आई थी ये सोच करके तुम जैसे इंसानों के बीच रहूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में हिजड़ों के बीच रहना ही लिखा है। अगर मैं तन से हिजड़ा हूं तो तुम मन से हिजड़ा हो। तन का हिजड़ा तो फिर भी ताली पीट के जीवन जी लेता है, लेकिन मन का हिजड़ा ताली पीटते हुए भी डरता है। मैं जा रही हूं तुम लोगों का एक कब्रिस्तान छोड़ के, क्योंकि मैं जिंदा हूं। एक मरा हुआ मर्द होने से कहीं बहुत अच्छा है एक जिंदा हिजड़ा होना। लल्ला,
अगेल साहब, काश का पंचनामा करो। जी साहब। किसने मारा, क्या किया था इसने? हत्या, सेंधमारी या बलात्कार? मैंने कुछ पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। गूंगा बनकर तुम लोग एक मुजरिम को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन है? शबनम। ये हिजड़ा यहां कहां से आया? नहीं साहब, हिजड़ा मत कहिए, किन्नर बोलिए। बड़े सलीके की जबान बोल रहा है तू। रिश्तेदार है तेरा? हां, हम सबका रिश्तेदार है। बुढ़ों की बेटी, जवानों की बहन और बच्चों की मौसी। तो इस शबनम ने इसकी जान ली है? नहीं साहब, इसने किसी को नहीं मारा, इसने तो हम मुर्दों में जान डाली है। तो फिर ये खून किसने किया? मैंने किया है। मैंने किया है। चलिए हमें गिरफ्तार कीजिए, डाल दीजिए हमें जेल में, लगाइए हथकड़ी, लगाइए आपको अनूपपुर के एक एक आदमी को गिरफ्तार करके उन पर मर्डर चार्ज लगा के उन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। ये सब तो हमने किया नहीं, लल्ला की लाश लेकर चले आए। सर मैं क्या करता, अनूपपुर का एक एक आदमी लल्ला के खून का इल्जाम अपने सर पे ले रहा था, मैं उन्हें किस कानून के तहत अंदर करता? भाई साहब, ये लल्ला एक वांटेड मुलजिम था, सरकार ने उस पर इनाम भी रखा था। अगर ऐसे आदमी को कोई मार देता है तो कानून उसका क्या करेगा? राजनीति कहती है लल्ला जैसे गुंडे तो चवन्नी में चार मिल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पॉलिटिकल करियर को दाग लगता है तो करोड़ों की धुलाई से भी ये दाग छूटने वाला नहीं है। राजनीतिक केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। न सांप के मरने की खुशी होती है, न लाठी के टूटने का दर्द होता है। वाह भाई साहब, आपकी राजनीति तो हिजड़ ने लल्ला को मारा, अब आप हिजड़े को शाबाशी देंगे। अब लल्ला पर रखे इनाम को उस हिजड़े को दिलवाकर अब हम गांव वालों की हमदर्दी बटोरेंगे, अपने वोट बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे ग्रामवासी, सबसे पहले मैं श्रीमान रतन सिंह की अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता हूं। वैसे भाई रतन सिंह जी आपसे हमेशा दूर नहीं रहेंगे, अब चुनाव आ रहा है, आप उन्हें अपने ही आसपास देखेंगे। छोड़िए, जिस राक्षस की हत्या के लिए शबनम जी ने गांव वालों में हिम्मत का बारूद भरा, उस राक्षस पर सरकार ने 25,000 का इनाम रखा था, साथ ही क्षेत्र के विधायक बाबू रतन सिंह की तरफ से 10,000 और मेरी तरफ से 15,000, कुल मिलाकर 50,000 की यह धनराशि, जिसे माननीय कलेक्टर साहब अपने कर कमलों द्वारा शबनम जी को समर्पित करेंगे। मैं शबनम जी से गुजारिश करूंगा कि मंच के ऊपर आकर इस समारोह का गौरव बढ़ाएं। आइए शबनम जी। शबनम जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें,
और हम सबको कृतार्थ करें। मुझसे बोलने के लिए कहा गया है, वास्तव में इस इनाम की असली हकदार मैं नहीं हूं, वो बस्ती वाले हैं। तो मैं अपनी इस इनाम की राशि को उन्हीं बस्ती वालों को समर्पित करती हूं जिन्होंने मुझ जैसी बेसहारा को सहारा दिया। एक खुशखबरी है आप लोगों को सुनाने के लिए, पार्टी ने इस बार भी मुझे ही टिकट देने का फैसला किया है। मुबारक हो रतन बाबू, मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो भाई साहब। हाँ, खुश रहो। विनोद, थोड़ी और मेहनत करो, कुछ एक साल और ईमानदारी से पार्टी की सेवा करो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगली बार मैं खुद अपना चुनाव क्षेत्र तुम्हें सौंपूंगा, मेरा वादा है। अच्छा रतन बाबू, इजाजत दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम। हाँ, अच्छा, नमस्ते। अच्छा भाई साहब, हाँ खुश रहो। विनोद, शाम को टिकट मिलने की खुशी में पार्टी रखी है, आ जाना। आदमी को जमीन पर रहना चाहिए, कुर्सी पर बैठने का वक्त आने से पहले कुर्सी पर नहीं बैठा करते, ये रामनाथ से सीखो। प्रणाम मालिक। अरे राघव, आओ आओ बैठो। जी मालिक। अरे वहां नहीं भाई, कुर्सी पर बैठो, इन्हें बैठाओ ना। जी, अब तो मेरे मजदूर नहीं हो, मेरे मेहमान हो, बैठो। मेहरबानी। पैक बनाओ वहां से। मैं शराब नहीं पीता मालिक। अच्छा, तुम आओ मेरे साथ, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी। देखो राघव, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मेरा बेटा राहुल तुम्हारी बेटी से प्यार करने लगा है। पहले तो मैं समझता था कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के छोड़ देगा, लेकिन वो तो सीरियस हो गया। अब अगर हम सीरियस नहीं हुए ना, तो मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों घर से भाग सकते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि दोनों की शादी कर दी जाए। हाँ? शादी? क्यों, तुम्हें कोई इतराज है? नहीं मालिक, अंधे को आंखें मिल जाए तो उसे क्या इतराज हो सकता है, मुझे तो बस यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो राघव, यकीन करो, मगर ये बताओ दहेज में क्या दोगे? पर मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारे पास। क्या मालिक? वोट। वोट? हाँ, मेरी खान के मजदूर और अनूपपुर के लोग तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं, है ना? जी। तुम मुझे उनके वोट दिलवाओगे दहेज में, बोलो मंजूर है? मालिक, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करूंगा और आपको वोट दिलवाऊंगा। शादी पक्की? हाँ। जाओ, इस खुशी को एंजॉय करो। बड़ी मेहरबानी मालिक। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक, प्रणाम। शादी के लिए तैयार हो गया? शादी तो आप करेंगे नहीं, फिर इस बंदर के पिछवाड़े मिर्ची क्यों लगा दी आपने? बेचारा उछल उछल के अपने हाथ पांव तोड़ लेगा। वोट के लिए? वोट तो मैं वोटरों की कनपट्टी पे दोनाली रख के ला दूंगा रतन सिंह बाबू। तुम चुप रहो यार मान सिंह, और अपने दिमाग से चंबल का फितूर निकाल दो, अब तुम डाकू नहीं रहे, नेता हो, नेता। दोनाली रख देंगे, लो भरो गिलास। सिंह साहब, इस बार मैंने इतना काम किया है कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो हजारों वोटों के मार्जिन से मैं जीतता, लेकिन पार्टी हाई कमांड ने
पिछली बार की तरह इस बार भी रतन सिंह को ही टिकट दे दिया है। उनका हारना बहुत जरूरी है। जब तक रतन सिंह के हाथों पार्टी की नाक नहीं कटेगी, मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं विनोद बाबू। राजनीति को समझने के लिए एक उम्र चाहिए सिंह साहब। जब वो समझ में आती है तब उम्र। काम बोलो। अगर वोटों की जोड़ तोड़ जायज है तो वोटरों की तोड़फोड़ भी नाजायज नहीं है, समझे? अरे देख के देख। राम राम काका। राम राम। कौन है आप लोग? लो काका एक घूट लगा लो। ये क्या बदतमीजी है? अरे काका बड़े घर के वोट जो कम करवाने हैं। अष्टभुजा पांडे, अष्टभुजा पांडे, हमें काकी चाहिए, काकी को जल्दी पकड़ो। सुशासन चोर है, चोर है, सुशासन चोर है, हमें काकी चाहिए। खामोश। पुलिस अपना काम कर रही है, हमारे काम में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। देखिए पांडे जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि राघव का कत्ल हुआ है और आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर 24 घंटे के अंदर हमको कातिल नहीं मिला ना, तो ये सारे लोग मिलके आपकी वर्दी उतरवा लेंगे। ध्यान रखना। भाई साहब, राघव की लाश उसी शाम सड़क के किनारे मिली थी जिस दिन आपने उसे यहां मिलने के लिए बुलाया था। तो तुम इसका क्या मतलब निकाल रहे हो कि मैंने राघव को मरवाया? नहीं नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, ये लोग अनुमान लगा सकते हैं। लोगों को कैसे पता चला कि राघव को मैंने यहां बुलवाया था? वाह भाई साहब, जब कोई बड़ा आदमी किसी गरीब को अपने घर बुलाता है तो गरीब बेचारा खुशी के मारे सबको बता देता है। क्या ये आपको नहीं पता? नहीं, गरीबों की मेंटालिटी के बारे में तुम्हारे जितनी जानकारी नहीं है मुझे। दरोगा जी, सच में मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बाबा, शरीर के रिश्ते तो नाम के रिश्ते होते हैं बिटिया, वास्तविक संबंध तो आत्मा का होता है जो कभी नहीं मरते। कन्हैया ने गीता में कहा है ना कि आत्मा अजर अमर है, ना इसे कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है। बाबा कहीं नहीं गए बेटा, बाबा यही है हमारे पास। कमाल है विनोद बाबू, कमाल है। जिसे अपनी सूरत देखने के लिए आईना तक मयस्सर नहीं था, वो इस वक्त टीवी पर बैठी अपनी सूरत देख रही होगी। रतन सिंह की नाक काटने का तोड़ मिल गया मुझे। ये कहां ले आए हो विनोद बाबू? रतन सिंह के हाथों पार्टी की नाक काटने का इंतजाम करते हैं। बस आप मेरा समर्थन करना। बिल्कुल। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अरे नमस्कार मौसी। नमस्कार शबनम जी। सुबह सुबह हमारे यहाँ मौसी, सुबह तो हर रोज होती है, नया संदेशा ले आती है। वर्मा जी,
बताइए कैसे आना हुआ इस गरीब के घर। मौसी, मैं आपको राजनीति में उतारना चाहता हूं। राजनीति में मैं? वर्मा जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? वर्मा जी, मैं सिर्फ ढोलक की ताल जानती हूं, राजनीति की चाल नहीं। जब आप नदी में कूदेंगी तैरना खुद बखुद आ जाएगा, और राजनीति तो ऐसा समंदर है जिसमें बिना हाथ पर चलाए बेड़ा पार हो जाता है। अभी तक तो यही देखा है वर्मा जी कि बिना हाथ पर चलाए मुर्दा ही पार होता है। जिंदा आदमी को तो तैरने के लिए हाथ पर चलाने पड़ते हैं ना। इसमें हाथ पैर नहीं, आपको सिर्फ जबान चलाने की जरूरत होती है। अरे मौसी, इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी जबान तो बहुत लंबी है, आप तो 14 भाषाएं भी बोलती हैं। हैं? अरे भाषाएं तो जानती हूं, पर विचार भी तो चाहिए। क्या बोलना मुझे नहीं आता? जो दिल में आए वो बोल देना। अपोजिशन वाले अगर ऑब्जेक्शन ले तो प्रेस वालों को बुलाकर खंडन कर देना। क्यों सिंह साहब? हाँ, फिर धीरे धीरे खुद समझ जाओगी। पंडित जी ने कहा था राजनीति में आने के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा अपने गरीब देशवासियों पर शासन कर सकता है। आपने अपने पिछले कल में जो प्यार और हमदर्दी कमाई है, वो आपके आने वाले कल के वोट बैंक का बेरर चेक है। उसे भुनाइए, अपनी जनता को, अपने लोगों का उसका लाभ पहुंचाइए। पल्लू से कमर कसिए और खड़ी हो जाइए। हाँ कहिए मौसी, हाँ कहिए। आइए, देखिए पूरा गांव आपको कितना चाहता है। नमस्कार। 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 ग्रामवासियों, शबनम जी का परिचय आप लोगों के लिए नया नहीं है। अब हम इन्हें विधानसभा ले जाना चाहते हैं ताकि ये खुलकर समाज की सेवा कर सके। मेरे जन्म से लेकर जीवन तक के सारे फैसले हमेशा ऊपर वाले ने लिए या समाज ने लिए। मैंने तो मेरे हिस्से में जो कुछ भी आया उसे सिर्फ स्वीकार किया है। मौसी, इस गांव को आप जैसे ईमानदार और जुझारू नेता की सख्त जरूरत है। मौसी, इस गांव को आप जैसे ईमानदार और जुझारू नेता की सख्त जरूरत है। माई माई, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? सब मुझे हिजड़ा बोलते हैं। कभी हिजड़ों को किसी ऑफिस में काम करते देखा है? देखिए सर, काम देने वाले तो आप, जब आप ही काम नहीं देंगे तो कोई हिजड़ा ऑफिस में कैसे दिखेगा? बहुत बोलती है, तुझे अंदर आने किसने दिया? हाँ, उठ, चल उठ यहाँ से। खड़ी हो, ए पाटिल, बाहर निकाल इसे। हिजड़े भी काम मांगने के लिए चले आते हैं, कभी अगड़े को दो, कभी पिछड़े को दो, और अब हिजड़े को भी दो। आपको दुनिया के लिए ही पैदा किया गया है, दुनियादारी के लिए नहीं। जब खुदा ने आपको औरत या मर्द का नाम नहीं दिया तो आप जो हैं वही बनी रही है, आधी अधूरी। जब तक हम इस दुनिया की जरूरत नहीं बनेंगे तब तक इस दुनिया को हमारी जरूरत नहीं होगी। तेरे लिए आज की रात में अल्लाह से तेरे नाम का रथ जगा करूंगी ताकि कल की तेरी सुबह अल्लाह के करम और नेमत की सुबह हो। भूरा सिंह जी, यही है वो हिजड़ा जो हमारे अपोजिशन में खड़ा हो रहा है। अच्छा, तो यही है वो शबनम बानो, कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेगी। हाँ, लो भाई, आजकल हिजड़े भी खड़े होने लगे। शब्बो, उफ तौबा, लोलो, शब्बो, तू अब तक कहाँ थी लोलो? क्या बताऊं शब्बो, तूने मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। अब मैं तो जानती नहीं थी ट्रेन कहाँ जाती, मैं सो गई। आंख खुली तो आगे जंक्शन,
अब उतर गई, पता किया तो कटनी। तूने अच्छा किया कि मेरे पास आ गई, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। शबू ये कमला मौसी, इनसे मिलो, ये अपनी कटनी की है। अच्छा, इनका वहां बहुत रुतबा है शबू। कमला मौसी ये शबनम। बधाई हो। वो तो लोलो ने जैसे ही बताया कि बिरादरी की कोई शबनम खड़ी है चुनाव में, तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली सब जगह बिरादरी को खबर करवा दी है, सब लोग आ जाएंगे। तुम तो बस फार्म भरो। जी चलिए मौसी, लेट हो रहे हैं। नीता जी। आ नमस्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद शबनम मौसी, जिंदाबाद जिंदाबाद शबनम मौसी, जिंदाबाद। प्रणाम भाई साहब। सवेरे सवेरे बुलवाया कोई खास बात? बैठो। ये तुमने अच्छा नहीं किया विनोद, पार्टी ने तुम्हें टिकट नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पार्टी के साथ धोखा करो। हैं? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या किया आपने मेरे लिए? क्या दिया पार्टी ने मुझे? पार्टी की छवि बनाने के लिए रात दिन में समाज की सेवा करता रहा, यहां तक कि मैंने अपनी शादी भी नहीं की। तो क्या तुम्हारी शादी भी पार्टी करवाएगी? हैं? कितनी ओछी सोच है तुम्हारी, कैसी ओछी बातें करते हो। अरे समाज में इज्जत रुतबा क्या नहीं दिया पार्टी ने तुम्हें? पार्टी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक चुनाव लड़ने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो तुम मेरा गला काट के मेरी जगह ले लेते विनोद? एक हिजड़े को खड़ा करके मेरी और पार्टी की नाक कटाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब समझ में आया तुम लल्ला की मौत का इनाम बांटने अनूपपुर क्यों गए थे। क्या लगता है तुम्हें वो हिजड़ा मेरे खिलाफ जीत पाएगा? अगर नहीं जीत पाएगा तो फिर आप क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? इसलिए कि अगर मैं उस हिजड़े से जीत भी गया तो भी मेरी हार ही होगी। तुम्हारी तरह बेगैरतमंद नहीं हूं मैं। गैरतमंद कौन है रतन बाबू? चुनाव जीतने के बाद कितना सीमेंट फाकोगे आप, कितना कोयला कॉन्क्रीट खाओगे और कितने ड्रम डामर पियोगे, क्या मुझे कुछ पता नहीं? अच्छा, चुनाव लड़े बिना ही तुम्हें यह सब मालूम है कि जीतने के बाद कौन सा खेत चरना है? जहां हड्डियां नहीं मिलती वहां कुत्ते दुम नहीं हिलाते, टांग उठाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें हड्डी चाहिए। चलो दी, 5 लाख रुपया अभी कैश देता हूं और जीतने के बाद जो कुछ भी कमाऊंगा आधा तुम्हारा। आधा क्यों रतन बाबू? शबनम को जिताकर पूरा लूंगा। शबनम जीतेगी इसकी क्या गारंटी है? दो जवाब। आप चुप रहिए मनोहर बाबू। क्यों चुप रहो? वो साला हिजड़ा जिसके ना पास का पता, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का, जिसके ऊपर आप मेरा लाखों रुपया खर्चा करवा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं चुप रहिए है? क्या चाहते हो आप? आपके आगे पीछे मैं चमचों की तरह कोटा परमिट और लाइसेंस के लिए घूम रहा था, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं। और फिर मेरा जो काम आप उस शबनम से करवाओगे वो रतन बाबू से भी तो करवा सकते हो। करूंगा, लेकिन शबनम को चुनाव लड़ने से रोकना होगा, उसे बिठाना होगा। बोलो है मंजूर? मुझे यह सौदा मंजूर है। सारे पोस्टर आ गए ना? ठीक है, संभाल के ले आइए, रख दीजिए। कुछ होगा
उसे हम इधर रख दीजिए। अरे भैया तुम ही लोगों पे तो भरोसा है। अच्छा अच्छा हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ऊपर रख दीजिए। नमस्ते लोलो जी। नमस्ते। अच्छी लग रही है। हट। देख लोलो, ये ससुरा चुनाव हमारे सर पे आ गया है। कुछ ही दिन बाकी हैं और बहुत सारा काम पड़ा है। ये सारे पोस्टर बैनर तुझे ही सुहागपुर और अनूपपुर के हर गली क्षेत्र में चिपकाने। उफ तौबा, कहाँ आता है मेरे को ये सब? कैसे कर पाऊंगी? मैं जानती थी कि ये सब कर रही हूं ना। मुझे पता है कि तू भी कर पाएगी। शब्बो, अब तू सिर्फ देख कैसे करती हूं मैं शबनम बानो के चुनाव का धुआंधार प्रचार। उफ तौबा। ओह हट। ओह माय गॉड। नमस्कार मौसी। नमस्कार। नमस्कार शबनम जी। जी नमस्कार। 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 चुनाव की तैयारी हो रही है। बैठी। शुक्रिया। चुनाव प्रचार बड़े जोरों में चल रहा है। समय कम बचा है, इसे रोको। क्यों? मैंने ही आपको कहा था कि चुनाव में उतरिए, लेकिन ये बाहर की राजनीतिक गंदगी देखकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस गंदगी में मत उतरिए। ये राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। वर्मा जी, कल तक तो आप कह रहे थे कि राजनीति अच्छी है, ये अचानक कुत्ती कैसे हो? अचानक नहीं शबनम जी, ये राजनीति जन्मजात ही कुत्ती चीज है, और ये राजनीति की कुतियां चाटने और भौंकने के अलावा काटती भी है। वर्मा जी, सिंह साहब, बचपन से लेके आज तक जब भी मैं सड़क से गुजरती थी ना, तो कुत्ते मुझे देख के भौंकते थे, कभी कभी कुछ काट खाते थे, तो एक आदत सी हो गई। अब डर नहीं लगता। अब एक जिद सी आ गई है। मैं जानना चाहती हूं कि ये राजनीति कुत्ती है या राजनेता? क्या शबनम जी, आपके मुंह से तो गाली जैसे शब्द निकल रहे हैं। तो आप मुझे कौन से कबीर के दोहे सुना रहे हैं वर्मा जी? मौसी, बात यह है कि रतन सिंह जैसे दिग्गज नेता पिछले 20 साल से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और 20 साल से जीत भी रहे हैं। आप उनके सामने ये चुनाव नहीं जीत पाएंगी। और ये जो खेल है ना, ये मर्दों का है, आप जैसे हिचड़ों का नहीं। खेल तो आप लोगों ने शुरू किया है सिंह साहब, अब तो बस फैसला होना है। अच्छा, आप लोग बहुत व्यस्त लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत सारे काम होंगे आपको। चलिए आप। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार। वर्मा जी, चुनाव तो मैं लड़ूंगी। चलिए। भाई साहब, तो साला हिजड़ा हिजड़ा नहीं रहा, नेता बन गया है, इसलिए जिद पे अड़ गया है। सब तुम्हारी मेहरबानी है विनोद, उसका नॉमिनेशन करा के तुमने एक हिजड़े को मर्द बनाया है। अब वो इस देश के 33 लाख हिजड़ों को मर्द बनाएगा और हमारा मुंह चिढ़ाएगा। उसकी कोई नहीं, मैं राजनीति का गुड़ लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं उसके मुंह पे गोबर पोतूंगा। क्या गोबर पोतोगे तुम? हैं? क्या गोबर पोतोगे? ना तुम उसे इनाम दिलवाते, ना उसका नॉमिनेशन भरवाते, ना ये नो बताती। इज्जत तो मेरी दांव पे लगी हुई है, तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो पैसों से मतलब है। हड्डी खाओगे, वो भी पूरी, फिर तुम हिलाओगे? खामोखा परेशानी बढ़ाती। परेशानी तो मेरी बढ़ गई है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रतन बाबू, जिसके पैसे डूबते हैं ना, वो ही जानता है। चुप हो जाइए आप, चंदा देकर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप। चुनाव जीतने के बाद 50 उल्टे सीधे काम करवाते हमसे। अब एक ही रास्ता है उसको। तुम चुप रहो, सारे रास्ते तो तुमने बंद करवाए हैं, अब बड़बड़ के बोले जा रहे हो।
अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरी राजनीति के पत्ते अभी खत्म नहीं हुए हैं, अब मैं करूंगा उसका इलाज। मौसी, आप मेरे ससुराल जा रही हो, इतना ससवर के जाने की क्या जरूरत है? पिछले जमाने में क्या होता था नैना, कि हम शादी के पहले लड़कियां नहीं दिखाते अपने भारत, तो लड़के वाले क्या करते थे कि लड़की की माँ, उसकी मौसी, उसकी बुआ, उसकी बहन या पिताजी को देख के, या लड़की जो खाना बनाती उसको खा के उसकी सुंदरता और उसके सलीके का अंदाजा लगा लेते। मौसी, तुम ऐसी होकर इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हो? गुड क्वेश्चन। वो क्या है बेटा, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और मुसलमान के यहां पली। मेरी हलीमा माई बताती थी कि मेरे जो पिताजी थे, मतलब हैं, वो पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे, अपना ये जो अष्टभुजा पांडे है ना, उससे भी बड़े। और मेरी जो माँ है वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है। तो बेटा, आम के पेड़ से तो आम ही निकलेगा ना, इमली तो नहीं निकलेगी। तो कभी कभी खून के संस्कार जोर मार जाते हैं बस। अच्छा, लोलो कहाँ है? शहडोल गई है बालों में पमिंग कराने, चुनाव के प्रचार के लिए जो जाना है। मैं चलती हूँ बेटा, बहुत देर हो गई, रतन बाबू की गाड़ी बाहर खड़ी। बेस्ट ऑफ लक मौसी। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। नमस्कार शबनम जी। रतन बाबू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार रतन बाबू। बिल्कुल मधुबाला लग रही हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं रतन बाबू? आपने अपनी गाड़ी भेज के मुझे अपने घर पे बुलवाया, यही मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद की क्या बात है, समाज में हर इंसान को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। आओ चलो। आपको पता होगा, पहले मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, जिद थी मेरी कि मैं एक मामूली मजदूर की बेटी को अपने घर की बहू कैसे बनाऊं, कैसे? आप जानते हैं मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। पूछिए क्यों। पूछिए पूछिए। क्यों? नैना आपकी कुछ नहीं लगती है, आपका उससे न तो खून का रिश्ता है न दूध का रिश्ता है, फिर भी उसका जीवन बचाने के लिए आपने जान की बाजी लगा दी, इतना बड़ा त्याग। बस इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे लगा लानत है मेरे स्वार्थ पर। राहुल जो मेरा अपना बच्चा है, अपना खून है, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशियों का गला मैं कैसे घोंट सकता हूं, वो भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। मैं आपका समधी हूं, आप मेरी समधन है, आप मेरे परिवार का हिस्सा है, हम कैसे लड़ सकते हैं आपस में चुनाव? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। बच्चों के सुख और चुनाव में से मैंने बच्चों का सुख चुना है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। नहीं रतन बाबू, अगर हम दोनों में से किसी एक को बैठना ही है तो मैं बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जज्बाती होने का हक सिर्फ आपको ही है क्या? ठीक कहा आपने, नैना मेरी अपनी बेटी नहीं, लेकिन हम जैसे इंसानों के लिए तो पराए भी अपनों से ही बढ़कर होते ना रतन बाबू। नैना को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूं। अगर नैना को उसका प्यार मिल जाए, वो आपके जैसे सम्मानित परिवार की बहू बन जाए, तो ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। बताइए कब करेंगे शादी? चुनाव के बाद। अभी सब चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। शादी की तैयारियां कैसे संभव हैं? भाई बड़े बड़े लोगों को बुलाना है, मंत्री आएंगे, एमपी आएंगे, एमएलए आएंगे, पार्षद आएंगे। मेरे इकलौते बेटे की शादी में ये सब लोग नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा शबनम जी? आप कुछ भी कीजिए रतन बाबू, शादी तो चुनाव के पहले ही होगी। नहीं 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 शबनम जी, आपको क्या लग रहा है भाई साहब झूठ बोल रहे हैं?
अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नहीं, राजनीति खेलेंगे लेकिन अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। क्या मौसी, आप तो हम पर विश्वास ही नहीं करती। नहीं नहीं विनोद बाबू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल राजनीति आप लोगों का स्वभाव बन गया रतन बाबू, और जब राजनीति इंसान का स्वभाव बन जाए ना, तो वो घर और बाहर के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। मेरे ख्याल से शबनम जी ठीक कह रही हैं। आप ऐसा करो, परसों नाम वापसी का आखिरी दिन है, आप नाम वापस लेके शादी की तैयारी करो, हम धमाके के साथ शादी करेंगे, ये मेरा वचन है। अच्छा। भाई साहब, क्या सचमुच आप चुनाव से पहले ही शादी कर देंगे? बेवकूफ हो तुम, परसों नाम वापसी का आखिरी दिन है, उधर वो नाम वापस लेगी, इधर हम शादी तोड़ देंगे। साला हिजड़ा, मुझसे राजनीति। मौसी, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? मौसी, तुम मेरे पापा को नहीं जानती, उन्होंने तुम्हें बिठाने के लिए चाल चली है। तुम्हारा नामांकन वापस होते ही वो अपना वादा तोड़ देंगे, मेरा यकीन करो मौसी। हाँ मौसी, आपको चुनाव लड़ना होगा, आप उन लोगों की बातों में मत आइए। आप चुनाव लड़ो मौसी, लड़ना पड़ेगा चुनाव। मौसी, अगर आपने नामांकन वापस लिया तो आपको हमारी लाश किसी नदी में या रेल की पटरी पर मिलेगी। मौसी, हम दोनों की खुशी के लिए पूरे गांव की खुशियों का गला मत घोटो। ठीक है, मैं अपना नामांकन वापस नहीं लेती। शबनम मौसी जिंदाबाद, शबनम मौसी जिंदाबाद, शबनम मौसी जिंदाबाद, शबनम मौसी जिंदाबाद। राहुल बाबू जी, नैना आपको अच्छी लगती है? हाँ। उससे शादी करेंगे? हाँ। अभी? हाँ मौसी। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? नेताओं के साथ रहते रहते थोड़ी सी राजनीति मुझे भी आ गई है। जो काम चुनाव से पहले हो सकता है उसे चुनाव के बाद तक क्यों टालें? तुम लोग जाओ, तैयार होकर आओ, हम सब बराती और घराती वहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, मंदिर में। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। प्यार से बाबू, हमारी लल्ली का ख्याल रखना जी। विनोद, इस हिजड़े को उठवा लेते हैं और चुनाव होने तक मार मार के इसकी हालत पतली कर देते हैं, ताकि दोबारा मेरे सामने खड़े होने की जरूरत न करे, मेरा नाम भी सुने तो इसकी सारी गीली हो जाए। भाई साहब, इससे चुनाव स्थगित हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं, चुनाव स्थगित होगा और हमें समय मिल जाएगा अपनी स्थिति ठीक करने का। भाई साहब, आप शबनम को नहीं जानते, बड़ी खाक और चालाक लोमड़ी है वो, हमारे चंगुल से निकलते ही वो हंगामा करेगी, आप चुनाव में खड़े होने लायक नहीं रहेंगे, पार्टी की इमेज खराब हो गई सो अलग, हमें कुछ और सोचना चाहिए। फिर तो ब्रह्मास्त्र ही बाकी रहता है, सुपारी। सुपारी? मदन पंडित। मदन पंडित, जयराम जी के जेलर साहब। जयराम जी की। मदन पंडित, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। स्पेशल ऑर्डर पर सरकार ने तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से निकलने के बाद तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। जेलर साहब, अगर आप कहें तो मैं पुरुषोत्तम राम बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस युग में वो पत्थर नहीं मिलते जो राम के पांव की ठोकर से अहिल्या बन जाए।
अब वो पत्थर पांव में लगे तो पांव टूट जाते हैं। आप छोड़ रहे हैं इसलिए बाहर हवा पानी बदल कर आता हूं, लेकिन वापस यहीं आऊंगा क्योंकि जेल के बाहर लोगों को मारना और जेल में खुद मरना यही मदन पंडित की कुंडली में लिखा है। हाँ तो मुन्ना, राजा दशरथ के कितने बेटे थे बताओ? बोलो। चार। क्या हाल है पाड़ू? जयराम जी की। मिथिला, तेरी चूड़ी बिंदी और सिंदूर कहाँ है? पिताजी ने मेरे जीते जी मेरे बेटे से श्राद्ध करवा दिया मेरा। मैंने खुद ही मान लिया कि मैं विधवा हूं। मिथिला, चिल्लाओ मत। आज तक तुमने जो कुछ भी किया है वो एक ना एक दिन सामने तो जरूर आएगा। जिस तरह तुम औरों को मारते हो, एक दिन कोई तुम्हें भी मार देगा, और फिर एक ना एक दिन तो मुझे विधवा होना ही है। अच्छा है मैं पहले से ही विधवा होकर रहने की आदत डाल लूं, ताकि जब खबर आए तो टूटने के लिए ना दिल रहे ना चूड़ियां। तेरी मर्जी, विधवा ही रहे। माँ, क्या मर्द है जालिम? शब्बों का पंती है क्या? कौन है तू? लोलो। लो लोलो, मेरा नाम है लोलो, शबनम। शबो, शबो, ये तो तू है शबनम मौसी? जी। आप कौन है? मदन पंडित, तेरी मौत। तुम लोग अंदर जाओ। मर्दों और औरतों के बीच तू सदन में ताली बजाने के ख्वाब देख रही है, वहां जहां के लिए तू पैदा ही नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? मैंने तुझे वहां जाने से रोकने की सुपारी ली है। बैठ जा वरना गोली मार दूंगा। मारो ना मुझे, खत्म कर दो मुझे, लेकिन इस आधे इंसान को मारने से पहले एक बात का ध्यान रखना पंडित जी, मुझे पूरी तरह खत्म कर देना। अगर कहीं मैं जिंदा बच गई ना तो ये आधी तुम्हें पूरा खत्म कर देगी। जान लेने का हक सिर्फ उसे है जो जीवन दे सके। भगवान जब हमें मृत्यु देता है ना तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। मुझे तुम्हारे पापों की फहरिस्त से कोई मतलब नहीं है पंडित, लेकिन अपने दिल में झांक कर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या आज तक तुमने कभी किसी को जीवन दिया है? ऐसे क्या देख रहे हो? मारो मुझे, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मुझे मारकर ही तुम जिंदा रह सकते हो। मुझे तुम्हारी बेबसी पे, तुम्हारी मजबूरी पे दया आ रही है पंडित। कितने गरीब हो तुम कि अपने पेट की दो रोटियों के लिए तुम्हें किसी के सीने में गोली उतारनी पड़ती है। जल्दी मारो मुझे वरना भूखे मर जाओगे, क्योंकि मारना तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा धंधा है। पाप पहले मजेदार लगता है पंडित जी, फिर आसान हो जाता है,
फिर स्वभाव बन जाता है, फिर पापी उद्दंड हो जाता है, उसे खुशी मिलने लगती है, वो बार बार करने लगता है, फिर पाप करने के बाद ना पछताने का फैसला कर लेता है और फिर बर्बाद हो जाता है। और मैं तुम्हारी बर्बादी का भविष्य तुम्हारी पेशानी पर पढ़ रही हूं। मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे चुनाव लड़ने से महापंडित रावण भी नहीं रोक सकता, फिर तो तुम मदन पंडित हो। यह एक हिजड़े का वचन है तुम्हें। तू मरेगी साली, तू लड़। या अल्लाह इसे तौफीक अता कर। ऐसे क्या देख रहे हो? मारो मुझे, क्योंकि मारना तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा धंधा है। एक ना एक दिन तो मुझे विधवा होना ही है। अच्छा है मैं पहले से ही विधवा होकर रहने की आदत डाल लूं, ताकि जब खबर आए तो टूटने के लिए न दिल रहे न चूड़ियां। साला एजड़ा कुत्ते की मौत मरा होगा मदन पंडित के हाथों। जाना है शबनम की लाश पर शोक मनाने और शबनम के घूने मदन पंडित की निंदा कर रहे। पहले मेरे शेर को तो आने दो, पीठ थपथपाऊंगा उसकी। ये क्या है, ये क्या हरकत है? क्या है, कोई प्रॉब्लम है मदन? क्या हुआ है तुझे? मैं जान गया हूं, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ओ, तो ऐसा बोलना कि तुझे और पैसा चाहिए। ना, नहीं चाहिए तुम्हारी बेईमानी और चोरी का पैसा। तेरे को पता है ना, तेरे धंधे में सुपारी वापस नहीं होती है। धंधा बंद। पागल तो नहीं हो गया है तुम्हें? मेरा पागलपन खत्म हो गया है। नहीं नहीं समझा तू। ये रतन सिंह अगर तेरी एक महीने की सजा को माफ करवा के तुझे जेल से बाहर निकलवा सकता है तो तुझे उम्र भर के लिए जेल में सड़ा भी सकता है। तुझे पता है ना मैं क्या हूं? जानता हूं। जब कोठे का दल्ला अपनी खुद की कोठी बनवा लेता है तो धूप और बारिश तो दूर, चांदनी रात में भी छाता लगा के चलता है। क्या बोला तू? धंधा बंद किया है, शुरू मत करवाना, वरना ये मदन पंडित अपने आप को सुपारी देकर तुम तीनों को काटकर चारों दिशाओं में फेंक देगा। जयराम जी की। रतन बाबू का हुक्म है, मदन पंडित किसी भी सूरत में जिंदा बचना नहीं चाहिए, कोई उसके सामने नहीं जाएगा। Thank you.
एक बित्ते की छुरी से मदन पंडित मरने वाला नहीं है। अच्छा हुआ छोड़ दिया, वरना हाथ कट जाता। देख सारी की सारी लोडेड है, पकड़ पकड़, सब की सब उतार दे। यहां एक भी इधर उधर लगी तो भी मदन पंडित बच जाएगा, समझा? चला चला चलो। जो चिता तुमने हमारे लिए सजाई थी, हम चाहते थे तुम सबको उसी में झोंक देते, मगर क्या करें। गांव में जितने हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं उन सबको समझा दो कि हर वोटर को 5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1/2 किलो दाल, 200 ग्राम वनस्पति घी, 1 बोतल देसी शराब और 101 रुपया देकर पांव पकड़कर मुझे वोट देने की विनती करें, ठीक है? और तुम गांवों में घूम घूम कर लाउड स्पीकर पर विरोधी पार्टी की बुराई करना। जी अच्छा। हा? बाकी मुद्दे और वादों की बातें मैं अपने दौरे के भाषण में कर लूंगा, ठीक है? समझ गए? हाँ जी समझ गए। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, होके डोर पे सवार चली बादलों के पार, जिसे देख देख दुनिया ये जली रे। मैं आपकी सड़कें चौड़ी बनवा दूंगा और भाइयों गंगा को आपके घर तक ले आऊंगा, और देखना कि इतनी बिजली दूंगा कि सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए भैंसे पर मोहर लगाइए, भैंसा गोबर देता है, गोबर को खेतों में डालिए, हरियाली आएगी, घर लीप सकोगे आप लोग। बहनों और भाइयों, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब भारतीय एकजुट पार्टी के उम्मीदवार रतन सिंह जी को ही भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। रतन बाबू जिंदाबाद, रतन बाबू जिंदाबाद। जिसका ना कोई माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, ना ती है, ना पुत्र है, उसने तो आप लोगों की सेवा में ही सारी जिंदगी लगानी है। उनका और कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट शबनम मौसी को ही डालिए। हमारी पार्टी ऐसी त्याग की भावना वाले नेताओं से भरी पड़ी है। विनोद ने प्रण किया है कि वो शादी नहीं करेगा, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आप लोगों की और देश की सेवा करते हुए मरूंगा। मेरे मरने के बाद मुझे भले ही स्वर्ग ना मिले, लेकिन मैं इस क्षेत्र को स्वर्ग बनाकर ही दम छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा नहीं करती कि मैं आपके पिछले 54 सालों का दुख दर्द इन 5 सालों में मिटा दूंगी, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाती हूं कि आप लोगों को मुझे वोट देने के लिए अफसोस नहीं होने दूंगी। अभी बहुत कुछ करना है मुझे आपके लिए। अगर मेरे पास अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी होती ना, तो मैं इस गांव को डिज्नीलैंड बना देता। डिज्नीलैंड, दुनिया की बेहतरीन लैंड डिज्नीलैंड। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है या अलादीन का चिराग नहीं है। मेरे पास 20 साल की योजना है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मैं 20 साल तक कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों को मुझे सिर्फ 4 बार और जिताना होगा, और आप जिताएंगे, मुझे मालूम है। और अपने इस गांव को दुनिया की बेहतरीन लैंड सुहाग लैंड बनाएंगे। मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि नदियों के इस देश में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, किसानों के इस देश में लोगों के पास रोटी नहीं है, संत कबीर तुलसीदास के इस देश में लोगों के पास शिक्षा नहीं है, राम के इस देश में रावण का राज्य,
यहां पर भागीरथ ने अपनी मेहनत से गंगा को धरती पर उतार कर उसके लिए रास्ता बना दिया, लेकिन हमारे देश के नेता आपके और हमारे चलने के लिए सड़क ना बना पाए। एक किन्नर मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है। किन्नर इजड़ा कहीं नाच रहा होगा तालियां बजा बजा के। विरोधी पार्टी वाले मुझसे कहते हैं कि मैं किन्नर हूं, हिजड़ा हूं। मैं आप लोगों का दुख दर्द क्या समझूंगी, क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन जिसका कोई अपना नहीं होता उसके सब अपने होते हैं। मैं किन्नर जरूर हूं, हिजड़ा जरूर हूं, लेकिन मेरी सोच मेरी दृष्टि हिजड़ा दृष्टि नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं करके दिखाना चाहती। मुझे विजयी बनाए, मैं आपका संकट मोचन बनूंगा। ब्रह्मा से जिंदाबाद, ब्रह्मा से जिंदाबाद। शबनम, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। अम्मा, शब्बू मुझे माफ कर दे। ऐसा क्यों कहती हो? सच तो यही है ना बेटा, तेरे जाने के बाद मुझे बड़ा पछतावा हुआ और मैंने तय किया कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अम्मा, अपने उस गुनाह की सजा मैं काट चुकी हूं बेटा। आज तेरा कद ऊंचा होते देख मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकते। आज तक हिजड़े दूसरों को दुआ दिया करते थे, अब एक हिजड़ा हिजड़े को दुआ देता है कि भगवान तुझे हम हिजड़ों का नाम रोशन करने वाला मसीहा बनाए। मसीहा बनाए बेटा, कसम मुर्गी माता की, अब तो तुझे जिता कर ही लौटूंगी बेटा। मौसी, ये जाओगी। शबनम मौसी जिंदाबाद, शबनम मौसी जिंदाबाद। मैं आप लोगों की सेवा करके इतिहास पुरुष बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके सहयोग से मैं ऐसे ऐसे महान लक्ष्य हासिल करूं कि मेरे मरने के बाद जहां जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां मेरी पार्टी नहीं आप लोग मेरा पुतला बिठाने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन यह महानता मैं तभी हासिल कर पाऊंगा जब मैं आपके दुख दर्द बांटूंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक चर्चा में है। इस क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार रतन सिंह का जीतना इस बार टेढ़ी खीर माना जा रहा है। हैरत की बात यह है कि उनका निकटतम प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, एक निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बानो नाम की किन्नर है। एग्जिट पोल और मतदाताओं के रुझान से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि शबनम बानो की जीत तो लगभग तय है। भारतीय एकजुट पार्टी के उम्मीदवार रतन सिंह का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हुकुम कीजिए सरकार। शमसुद्दीन, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले मुझे इस हिजड़े की लाश चाहिए। समझ लो, काम हो गया। तुम इधर ढूंढो, तुम उधर। पंडित, तू यहां? शबनम कहां है? अच्छा, तो अब तुम लोगों ने मेरा धंधा शुरू कर दिया। जिंदा बचोगे तो शबनम को मारने की बात सोचना। Thank you.
रो रही है, तुम्हारी तो कामना पूरी हो गई ना विधवा के लिबास में रहने की। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। ये देखो देखो, मेरी साड़ी का रंग लाल हो गया है, मेरे 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 माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर लग गया है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, कुछ नहीं। पंडित जी, मौसी, तुम्हीं ने कहा था कि जान लेने का हक उसे है जो जीवन दे सके। मैं भी नहीं। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। नहीं मौसी, तेरी दुआओं में बहुत असर है, मेरे जिंदा रहने की दुआ मत करना। तुम मेरी जान लेने आए थे लेकिन अपना जीवन दे के जा रहे हो, कैसी विडंबना है। भोगना तो पड़ता ही है ना मौसी, पाड़ू अच्छा बनना। हाँ। जय राम जी की। बार सोचना यारों, कहीं गलती ना हो जाए, भारतीय एकजुट पार्टी के उम्मीदवार श्री रतन सिंह 35,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। रतन बाबू जिंदाबाद, शब्बू तू घबरा मत बेटा, मुर्गे माता पे विश्वास है मेरा, तू जरूर जीतेगी। हाँ, श्री रतन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बानो से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रतन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। रख लेना। भारतीय एकजुट पार्टी के रतन सिंह 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बानो दूसरे स्थान पर चल रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बानो रतन सिंह की निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। रतन सिंह उनसे केवल 500 वोटों से आगे हैं। सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सुश्री शबनम बानो को 2,804 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है।
शबनम, मुबारक हो, आखिर आपने हमें मात दे ही दी। अरे नहीं नहीं, हमारी कोई औकात है रतन बाबू? हम तो प्यादे हैं, असली खिलाड़ी तो विनोद बाबू हैं। अब जे हमको राजनीति में न लाए होते तो हमारी ये हालत होती क्या? आपको तो सही मात विनोद बाबू ने दी है, नहीं विनोद बाबू? क्या मौसी, क्यों गड़े मुर्दे उखड़ रही हो? शबनम, विनोद बाबू की जरा सी भूल से सोहागपुर की जनता ने अपना भविष्य एक हिजड़े के हाथ में सौंप दिया है। अब देखना यह है कि यह हिजड़ा जनता की उन्नति करेगा या जनता को भी अपनी बिरादरी में शामिल करके गली गली तालियां पिटवाएगा। ऐसी बात कम से कम आप तो मत कीजिए रतन बाबू। आपको तो इस जनता ने चार बार चुन के विधानसभा में भेजा है, आप तो अच्छे खासे मर्द थे, फिर वहां पहुंच के हिजड़ा कैसे हो गए? मैं कम से कम वहां पहुंच के बदलूंगी नहीं, ये विश्वास दिलाती हूं आपको, मैं वही रहूंगी जो मैं हूं। अच्छा, अगर आपने जनता के लिए एक भी अच्छा काम किया होता ना, तो जनता मुझ जैसे हिजड़े को नहीं चुनती, वो आप जैसे सुदर्शन मर्द को एक बार फिर से चुन के विधानसभा में पहुंचाती। ए हिजड़े, ज्यादा पक पक मत कर, मैं चुनाव आ रहा हूं, अपनी इज्जत और अपनी ताकत नहीं समझाना। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इसी पब्लिक के सामने तुझे जूतों से मारूंगा, समझाना? ना ना ना, ऐसी गलती मत करना रतन बाबू, आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, हमेशा खबरों में बने रहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे मारा ना, तो इससे आपकी शान में इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये बात तो आपके क्षेत्रीय अखबार तक नहीं छापेंगे। लेकिन मैंने अगर आपको मार दिया तो ये राष्ट्रीय खबर हो जाएगी, राष्ट्रीय अखबारों के मुखपृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में छपेगा कि एक हिजड़े ने पूर्व मंत्री को बहुत बुरी तरीके से जूतों से मारा। इसलिए बेहतर है कि सामाजिक भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आम जनता जिस दिन जूते मारना शुरू करती है ना रतन बाबू, तो सात पुश्तों के सर पे बाल नहीं उगते। नमस्ते, ध्यान रखना इस बात का। शबनम बानो जिंदाबाद, शबनम बानो जिंदाबाद, शबनम बानो जिंदाबाद, शबनम बानो जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।